में सूर्य में तेजस्विता तस्थुदे वहितम पुरुषता मेरे जितनी ज्ञान तेजस्विता बल बुद्धि साहस ताकत पौरुष यौवनता सौंदर्यता है। सूर्य के समान कोई सौंदर्य नहीं, सूर्य के समान तेजस्वी नहीं, सूर्य के समान एकदम प्रचंड नहीं, सूर्य के समान ज्ञानवान नहीं, सूर्य ऐसा कोई देवता नहीं, सूर्य के समान प्रत्यक्ष देवता नहीं। बाकी देवता दिखाई दे या नहीं दे, या देवता तो प्रत्यक्ष आपको रोज दिखाई देता ही है। और उसकी पूरी तेजस्विता को धारण करने, उस धारण करने के लिए कुछ एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को मंत्र कहते हैं। और वो मंत्र जहां तक सबसे बोलो तो शायद पृथ्वी पर तीन या चार लोगों को ज्ञात होता है कि उसकी तेजस्विता को स्वीकार कर सके, ग्रहण कर सके और फिर बांट सके। यह तो शायद एक दो लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को मालूम होगा भी नहीं, संभव भी नहीं है, मालूम ही नहीं क्या होता है। इसलिए उसकी पूरी तेजस्विता को आप में बांटने के लिए मैंने आपको बुलाया है, ताकि आपसे मेरा और कुछ ग्रहण का अर्थ होता है स्वीकार करना। आप भोजन ग्रहण करिए, हम कहते हैं आप जल ग्रहण करिए, तो ग्रहण सब तो बहुत ज्यादा मधुर है कि आप पुष्टों का आप ग्रहण करिए, देवता हे गुरुदेव आप मेरे फूलों का आप ग्रहण करिए, स्वीकार करिए। तो ग्रहण अपने आप में गंदा शब्द नहीं है। ग्रहण का अर्थ है कि वह सबको दे रहा है। आपने मूर्खता है, ये आपके पास ऐसे गुरु नहीं है, ये आपका दुर्भाग्य है कि आप घर में बैठे हुए हैं और ऐसे गुरु रहे भी नहीं है। बिल्कुल दो टू कहता हूं कि जो उसकी तेजस्विता को प्राप्त कर सके, पहले अपने ऊपर झेल सके और फिर बांट सके। सीधा तो बांट नहीं सकता कोई चीज, जब मैं झेलूंगा तो फिर बांटूंगा। वो झेलने की सूर्य की पूरी तेजस्विता झेलने के लिए उस सूर्य से भी ज्यादा प्रचंडता चाहिए सीने में, तब वो झेल सकता है। हर एक आदमी झेलने की क्षमता नहीं होता। अब कृष्ण कह रहा है कि मैं सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वान हूं, क्योंकि सूर्य मेरे अंदर से प्रकाशवान कर देता हूं। तो कृष्ण को घमंड नहीं कर रहा है, कृष्ण बता रहा है मैं क्या चीज हूं। गीता में जो कुछ कृष्ण ने कहा है कि मैं ये हूं, ये सब कोई घमंड नहीं। तो राम कहते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम हूं और मैं अपने आप में हजार वर्षों के बाद पैदा हुआ हूं, मैं राम हूं। और विश्वामित्र कह रहे राम जैसे तो पैदा नहीं हो सकता, तो बहुत ही घमंड नहीं था, ये गर्व। और उस ग्रहण के अवसर पर, इस समय भी हम ग्रहण के अवसर पर उसको ले रहे हैं, धीरे धीरे वह अपनी रश्मियों को प्रदान करता जा रहा है। इस समय मैं तो चाहता हूँ 100 प्रयोग संपन्न करवा दूँ। आप तो एक दो की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ कि प्रयोग समाप्त करूँ ही नहीं, उतना सब कुछ दे दूँ, उसके बाद आपको किसी के सामने हाथ पसारने की जरूरत ही नहीं है। आपका बता रहे और सबसे ज्यादा दुख अगर मुझे तब होता है कि मेरा शिष्य भारत पसारता है रोग मुक्ति के लिए या धन के लिए, तब मन में वेदना होती है, कैसा गुरु है, फिर तुम गुरु क्यों बने। गुरु बने तो फिर शिष्य को अपने आप में अद्भुत अद्वितीय बना दीजिए, ऐसा बनाइए कि लोग देखें कि ये कोई चीज है। आप गुरु से कह सकते हैं कि मैं कुछ हूँ, प्रसन्नति हूँ, मैं अपने आप में नहीं हूँ, ये चीज बनने की क्षमता प्रत्येक में प्राप्त नहीं हो पाती। इसीलिए इस ग्रहण काल में मैं उन प्रयोगों को संपन्न करवा रहा हूँ। मुझे प्रयोग तो बहुत ऊंचे स्तर के प्रयोग संपन्न करवाने चाहिए और करवाए, नवरात्रि में भी संपन्न करवाए हैं और देखा होगा कि मैंने अधिकतर सिद्धार्थ से संबंधित प्रयोग संपन्न करवाए। एक प्रयोग को पहले भी करवाया, उसके बाद फिर करवाया, चौथी बार भी करवाया, पांचवी बार भी करवाया। मैं कुर्ते को तब तक धोता रहूंगा कि तो बिल्कुल सफेद जख्मी हो जाएगा। आपका हृदय, आपका शरीर, आपका इतना मैल भरा हुआ है, इतने जन्मों के पास है, आपकी पत्नी का पास आपके पास है, आपके पुत्रों का है, आपके परिवार का है, आपका संबंधियों का है, पिछले जीवन का है, ये सब पाप है, सब आप भुगत रहे हैं रोग से, ऋण से, कष्ट से, पीड़ा से। और मैं हर बार उसमें से काफी कुछ कम करने की कोशिश करता हूँ, उतनी हो पाती है जितनी आप मन में श्रद्धा रखते हैं। कम श्रद्धा रखते हैं कम हो पाती है, ज्यादा श्रद्धा रखते हैं तो ज्यादा हो पाती है। जब गुरु तुमसे मिल गए और फिर तुम अलग जिंदा रह गए तो तुम शिष्य बन भी नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता, शिष्य गुरु से अलग हो ही नहीं सकते। एक शिष्य को दो टुकड़े नहीं कर सकते, एक शिष्य का पृष्ठभूमि है, एक शिष्य का अग्रिम भूमि भी है। एक शिष्य के दो टुकड़े, ये पिछला भाग ही अगला भाग, दो अलग अलग शिष्य नहीं हो सकते।
जिसे गुरु का शब्द अलग अलग बन भी नहीं सकता। गुरु ने कहा से रुक गया वो शिष्य नहीं बन सकता। फिर भी मैं आश्रम ग्रस्त है, मैंने श्रीनाथ जी ने देखा है, उन शिष्यों को देखा है, उनकी आतुरता देखी है, उनकी प्रसन्नता देखी है, उनका वेग देखा है, उन सन्यासियों को देखा है। समाज कुछ नहीं करता है, आप डरते हैं समाज से। समाज आपसे मिलकर बनता है, समाज आपको क्या बिगाड़ देगा, क्या सुधार दिया, अब तक आपको क्या दे दिया समाज को जो आप कर रहे हैं, क्या क्या समाज का मतलब है, जो आज है वो हमारा है, उसको समाज कहते हैं। जो आज कर लिया वो समाज है, जो कर लिया जो कर लिया, देखा जाए समाज का नाम सुन निकाल दो, कैसे निकाल दो, आज हिंदुस्तान से बाहर निकाल नहीं सकते, फांस दे नहीं सकते, किसी की चिंता ही नहीं है, कोई बात नहीं, दो बात है, कोई नहीं कर सकते, निकाल भी नहीं कर सकते। प्रचंडता रखिए, वेग रखिए, हिम्मत हौसला रखिए, और जाओ वहां मत रहिए, रहिए तो फिर ऊंचा ही पर। समाज का मतलब यही है, तुम डरते हो समाज क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, पत्नी पुत्र मिलकर समाज नहीं बनता है, ये एक परिभाषा बना दिए ये समाज से समाज कहते हैं। समाज का मतलब है आप क्या है, आज आप क्या है, समाज आज आप जो कुछ है वह समाज है, बस जब आज है तो कल भी वापस आज ही बन जाएगा, आज जिसको हम कल कहते हैं तो कल फिर आज बन जाएगा, इसलिए आज खत्म होता ही नहीं है, पिछला जीवन खत्म हो सकता है, आज जो सब है वो खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जो ही कल सुबह सूर्य उगेगा फिर आज का दिन बहुत अच्छा है, फिर आज बन जाएगा, परसों का सूर्य उगेगा फिर आज बन जाएगा। इस ग्रहण काल में उन प्रयोगों को संपन्न करवा देता हूँ, और ये सारे प्रयोग कैसे कैसे बन रहे थे, मैं चाहता हूँ कि कैसे बने, मन की इच्छा तो है मगर या तो प्रभु की इच्छा नहीं है या कुछ संकेत नहीं है या मगर जरूर कुछ होगा, जो कुछ कर रहा होगा कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, क्योंकि इतनी उच्च कोटि की विद्याएं अगर लोप हो जाएंगी तो उसके बाद में भारत कुछ जैसी कोई चीज़ नहीं रह पाएगी, एक जिसको डांस रह जाएगा, और ऐसे घटिया जीवन में हम एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, और आने वाली पीढ़ी जिसको मिट्टी सुश्वास भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से जब आज उस वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अभी आज आपने पढ़ा हो न्यूयॉर्क टाइम्स, उस न्यूयॉर्क टाइम्स में कहा है कि हमने यहाँ पर हिंदुओं की मूर्तियां देखी है और वो नेत्र फड़फड़ा रहे हैं, वी डोंट इमेज हाउ इट पॉसिबल, हम आश्चर्यचकित हैं कि आंखें कैसे फड़फड़ा रहे, तुम सोचा कोई स्विच लगा होगा, कोई मशीन लगी होगी, क्या लगा होगा, मगर कोई मशीन लगी नहीं है ना, मगर आज न्यूयॉर्क टाइम्स से पढ़े तो 80 पेज का आता है कि बात पढ़ा है, और न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लिखा है हेडलाइन है कि हिंदुओं की जो मूर्तियां हैं हिंदुओं के घरों में आंखें फड़फड़ाती हैं, वैज्ञानिक जाके देखी है और देखते हैं बाहर आंखें फड़फड़ाते हैं, और वे मूर्ति पीतल की है, तांबे की है, लोहे की है, वी कांट इमेज, इट इज नॉट अ साइंस, आई कांट अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ सिद्धार्थ मुझे इस बात को खुल गया है कि विज्ञान को ये समझा लेना है कि विज्ञान नहीं समझ सकता कि ज्ञान क्या चीज है, नहीं करना है। मैंने चाहता है कि इस तारीख को सारी मूर्तियों के कद बढ़ेंगे, जो मूर्ति एक फुट की वो डेढ़ फुट की बनेगी, मंदिरों में मूर्तियां वो बढ़ेंगी, सत्यक्रम चाहता है आप उसका क्या जवाब देंगे, विज्ञान का क्या जवाब होगा, विज्ञान कहाँ खड़ा होगा, विज्ञान हमारे पास कहाँ प्रसंग आएगा, उस समय जब 30 शताब्दी में तुम सबसे आगे में खड़े रहोगे तो तुम्हारे पास ज्ञान होगा, इसलिए मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ, तुम्हें तैयार करने के पीछे मकसद मेरा ये है, जब विज्ञान बौना हो जाए, जब विज्ञान को समझ नहीं आए, जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा ये कहे कि कांट इमेज वी अंडरस्टैंड, हम समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, तो तुम 4 साल बाद तो सिद्धार्थ उस जगह तुम लोगों को खड़ा कर देगा कि विज्ञान हाथ जोड़ देगा कि हम नहीं समझ पा रहे सारे, केवल आपके चरणों में झुक के सीखने की कोशिश करेंगे, ये मेरी बात, ये बात भी याद रखना, और आप लोग इसलिए होंगे आप मेरे शिष्य हैं, और इस बात का मुझे गर्व है, इस बात का मुझे फख्र है, इस बात के मुझे स्वाभिमान है कि आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ और उन क्षणों में बुढ़ा रहा हूँ जहाँ मुझे आपको बुढ़ाना चाहिए, और मैं वह ज्ञान व चेतना इस कागजों पर पृथ्वी पर आपके हृदय पर जीवित जागृत व्यक्तित्वों को तैयार कर दूँ, ऐसा इच्छा ऐसी इमेज रहती है, इसलिए हर बार मैं तो सोचता हूँ कि छोड़ दूंगा सब कुछ अभी, क्योंकि अपना कुछ स्वाद आया लेखन बहुत हो चुका है, बहुत कर चुका है, सन्यास जीवन को भी बहुत देख चुका,
गृह जीवन को भी बहुत दूर, ऊंचाई को देख चुका, इससे ऊंचाई गृह जीवन की नहीं बन सकती, वहां तक पहुंच चुका, इससे ऊंचे संन्यास जीवन की नहीं पहुंच सकती। आज के संन्यास जीवन को यदि आप कहें कि मैं निखिल स्वामी का शिष्य हूँ, अगर इतना कह दें तो ऊंचे से ऊंचे योगी भी आपके चरण पकड़ के आंसू से भिगो देगा, आपके चरण भिगो देगा। आप चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, आप इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अपने आप को समझ नहीं पा रहे, इसलिए उस चीज को नहीं समझ पा रहे। हिमालय को गए नहीं कभी, आपने हिमाचल को देखा नहीं, उस जगह गए नहीं, ऐसे ऋषि मुनियों से आपकी भेंट हुई नहीं, भेंट हुई मक्कानों से, धोखेबाजों से, ढोंगियों से, मूर्खों से, पंडों से, पुरोहितों से, और वो तो गोदान आपका 100 रुपये में करवा देते हैं, उसको मैं 1 रुपये में 5 गोदान भी करवा सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो मेन की पकड़ के भी क्यों बना सकते हैं, वो तो महान योगी हैं, उनकी तो मैं तुलना कर नहीं सकता। मगर ये जो अभी जो मैं करा रहा हूँ तो समय कम है, ये प्रवचन तो ये प्रवचन कैसे आपको मिलेगा, और भी कैसे हैं ये आपका गरोज है, इसलिए कोई मेरी कैसे थे, मुझे तो कुछ था ही नहीं, मैं तो यूँ भी जब निश्चय ये किया है कि मुझे केवल अगला क्या जीवन किस प्रकार से बिताना, आप देखते रहेंगे, वह ऐसा भौतिकता थी, न पहले कोई इच्छा थी, न मध्यकाल में, न आज इच्छा है, न ड्राइंग रूम में कोई अच्छा लगता है, न कोई कूलर में एसी में अच्छा लगता है, मैं चट्टान से आज मुझे सुला दे तो शायद ज़्यादा गहरी नींद आ पाएगी, और आपको यहाँ पर आराम से रखें, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह तो कैसे प्राप्त किया है मैं जानता हूँ, मगर मुझे इस बात का गौरव है, और मैं क्या हूँ इस बात का भी आज आपको मालूम नहीं पड़ेगा, पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि मोह और ब्रह्म दोनों में डिफरेंस है, जब माया आ जाएगी वहाँ ब्रह्म को पहचान नहीं पाओगे आप, जब अर्जुन समझ नहीं पाया कृष्ण को, कृष्ण चिल्लाता रहा तुम नहीं समझ पा रहे हो, मैं कौन, तुम्हारा साथी नहीं हूँ, मूर्ख हो, तुम्हारा घोड़े चलाने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मित्र भी नहीं हूँ, मगर वो अर्जुन समझता नहीं, जब तुम्हारे साथ खेला हूँ, बच्चे गिल्ली डंडा खेला हूँ, तो मेरे साथ रहा है, ग्वाड़ा रहा है, वो भी साथ प्रेम किया, मैं तो समझता हूँ, जानता हूँ, मगर तुम नहीं समझ रहे, तुमने केवल माया का आवरण मेरा देखा है, मैं ब्रह्मत्व रूप में देखा नहीं, वो ओरिजिनल की मेरी वो है, ये तो केवल एक आवरण है, इसलिए कि लोग मेरे पीछे एकदम से घिरे नहीं, पूरे गीता का सार यही है, और जब 11 अध्याय उसे विराट रूप देखा तो अर्जुन को समझ में आया कि मैं कितना पागल था कि इतने महापुरुष जगत वंदे गुरु को मैं केवल साथ समझ बैठा, आप आज मुझे नहीं समझ पाएंगे, मगर मेरा शरीर छूटने के 50 साल बाद जब 1000 मंदिर बन जाएंगे, पूजा जी आरती करने लग जाएंगे, घंटे घड़ियाल बजाने लग जाएंगे, तब आप बताएंगे कि वह व्यक्ति जीवित था, हमारे साथ में था, हम उनके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर पाए, क्षण नहीं बिता पाए, तो पता निकल आपके पास उसमें कुछ नहीं दे पाएगा, कुछ की बात नहीं किया, जो कुछ है जीवन है, मैं तो केवल कृष्ण ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, ओम रीम मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय रीम ओम नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि तुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।